72 हूरे का ट्रेलर रिलीज हो गया एंड कंट्रोवर्सी भी एज एक्सपेक्टेड क्रिएट हो गई है। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेलर। ट्रेलर में सबसे पहले दिखते हैं एक मौलवी साहब प्लेड बाय राशिद नाज, जो पूछ रहे हैं कि हूरे समझते हो, कवारी जिन्हें किसी ने छुआ ना हो, वर्जिन्स। एक नहीं, दो नहीं, 72 हूरे। और फिर एक धमाका होता है गेटवे ऑफ इंडिया पर और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और लाशें। इन सभी सीन्स को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है क्योंकि काफी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। फिर हमें दिखते हैं दो टेररिस्ट प्लेड बाय पवन मल्होत्रा एंड आमिर बशीर, जो इस फिदाइन हमले के पीछे जिम्मेदार हैं और अब मर के भूत बन गए हैं। ये दोनों आत्माएं आपस में बात कर रही हैं। पहले दोनों सेलिब्रेट करते हैं अपनी घिनौनी हरकत को और फिर इंतजार शुरू होता है 72 हूरों का। आमिर को एक भी नहीं दिख रही, जिस पर पवन कहते हैं कि सब्र कर, 7 आसमानों से जमीन पर आने में तो वक्त लगेगा ही, लेकिन उनकी आत्माएं बस इंतजार ही करती रह जाती हैं। एंड दोनों समझ नहीं पाते कि मौलवी साहब की कही हर बात उन्होंने मानी, जिहाद के नाम पर काफिरों को मारा, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनकी लाशों को दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही और कहां हैं उनकी 72 हूरे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्सी की। 72 हूरे डायरेक्टेड बाय संजय पूरन सिंह, को प्रोड्यूस किया है अशोक पंडित ने, जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, CBFC ने ग्रीन लाइट दी। उसी CBFC माने सेंसर बोर्ड ने इसके ट्रेलर को सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया है बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला, ये सीन जिसमें एक पैर दिख रहा है बॉम्ब ब्लास्ट में मरे किसी इंसान का। दूसरा, होली कुरान का ट्रेलर में रेफरेंस। और तीसरा, एनिमल वेलफेयर। CBFC के इस फैसले के विरोध में अशोक पंडित ने कहा, CBFC में बैठे ये कौन लोग हैं, फिल्म के ट्रेलर को किस ग्राउंड पर मना कर दिया, जबकि इसी फिल्म को सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया है। जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिसको CBFC ने सर्टिफिकेट दिया है, उसी फिल्म के सीन से बने ट्रेलर को मना कर दिया, ये कैसी दादागिरी है। अशोक पंडित ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी अपील की है। उनका कहना है, वे दो कट चाहते हैं, वे कुरान शब्द हटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि फिल्म में ये है। फिल्म किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध है। जब फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो ट्रेलर को क्यों नहीं। ये कोई प्रोपोगंडा मूवी नहीं है, इसे पूरी दुनिया में सराहा गया है। इस निर्णय से सेंसर बोर्ड ने बहुत ही गलत मैसेज दिया है। लोग इस बारे में उनसे सवाल करेंगे। कई इंडस्ट्री के लोग मुझे फोन कर सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, अब कंट्रोवर्सी से हटकर अगर सिर्फ सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे इस ट्रेलर का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा। रिलीजियस एंगल पर मैं कॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सच्ची घटनाओं पर आधारित एक फिक्शनल मूवी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपकी क्या राय है, डू टेल अस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।